आलम साहब क्या कहेंगे, आप भिवंडी से दिल्ली, दिल्ली से दोबारा जो है वापस भिवंडी आ गए, तो कैसी आपकी यात्रा रही, जो तिरंगा यात्रा थी कैसी थी? बहुत अच्छी थी। और भिवंडी से दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय गए थे हम। प्रधानमंत्री कार्यालय में हमने एक लेटर दिया है कि महाराष्ट्र में खासकर भिवंडी, मालेगांव, इचलकरंजी, ये तीन जगह लूम का बड़ा कारोबार है और बिजली महंगी होने की वजह से धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है। वैसे भी महाराष्ट्र से बहुत सारे कारोबार धीरे धीरे हट रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी कार्यालय में हमने ये लेटर सबमिट किया है कि महाराष्ट्र को बिजली के लिए स्पेशली ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाया जाए ताकि महाराष्ट्र का जो लूम है वो बचाया जा सके। महाराष्ट्र में चलने वाले जो लूम है उस पर किसी सब्सिडी की जरूरत है, वरना ये कारोबार भी खत्म हो जाएगा। वैसे भी कई कारोबार महाराष्ट्र से खत्म हो चुके हैं। दूसरी मांग हमारी ये थी कि भिवंडी शहर से लगकर बहने वाली एक कामवारी नदी है, हर साल बारिश में करीब 20% लोग उससे प्रभावित होते हैं, जिसके कारण उनकी करोड़ों की संपत्तियां बर्बाद हो जाती है। तो सरकार कामवारी नदी के लिए फंड दे। ये दोनों ही मुद्दे केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये दो मांग को लेकर हम गए थे। और दिल्ली से पंजाब वाघा बॉर्डर से पहले 14 किलोमीटर की दूरी पर शहाब चतुर, जो केरला से चलकर पैदल हज करने के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया है। तो केंद्र सरकार पाकिस्तान सरकार से बात करके उनका वो रास्ता साफ करे ताकि वो आगे जा सके। जब दिल्ली आप गए थे तो वहाँ पे किसी खास व्यक्ति से किसी से मुलाकात भी थी आपकी? नहीं, हमारी कोई मुलाकात वहाँ नहीं हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय गए क्योंकि प्रधानमंत्री भी बाहर ही थे, किसी से मुलाकात नहीं हुई। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में ये लेटर सबमिट किया है। अच्छा अगर आप तो जो है बाइक से गए थे, मतलब टू व्हीलर से गए थे, जी, तो क्या क्या परेशानी, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कोई परेशानी नहीं हुई। बाइक है, मन में दिमाग में एक बात रहती है कि पंचर हो जाए, गाड़ी बिगड़ जाए, कोई तकलीफ हो जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये मेरा चौथा प्रोग्राम है दिल्ली का, इससे पहले मैं 3 बार और जा चुका हूँ और एक बार कारगिल भी। इसके आगे भी आप कभी जाने का प्लान कर? बस अब अगली तैयारी है, भिवंडी से मुख्यमंत्री को मिलने के लिए जाएंगे साइकिल से, क्योंकि हमने शुरुआत केंद्र सरकार का मुद्दा था इसलिए वहां से किया है। अब राज्य सरकार से, यानी हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, उनसे मांग करेंगे कि इस मुद्दे को आप थोड़ा फॉलोअप लीजिए ताकि भिवंडी, इचलकरंजी, मालेगांव, धुलिया, इस तरह के जो इलाके महाराष्ट्र में है जहां लूम चल रहा है, अगर लूम भी बंद हो गया, वैसे भी बहुत सारे लूम बंद हो ही चुका है आप लोगों को पता है, तो कहीं ना कहीं लूम की जो इंडस्ट्री, इसको बचाने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए। तिरंगा यात्रा आपकी कितना किलोमीटर थी और कब शुरुआत की थी आपने? 5 दशहरे के दिन हमने 5 तारीख को शुरू किया था और आज आप यहाँ देख रहे हैं, आज खत्म हुई है। ये करीब करीब 4100 किलोमीटर का सफर था, भिवंडी से दिल्ली, दिल्ली से वाघा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर से फिर वापस हरियाणा होते हुए, राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए भिवंडी पहुंचे। क्या कहेंगे एक भिवंडी शहर से जो एक एक काज के लिए, जो एक काम के लिए, सामाजिक काम के लिए जो भिवंडी से दिल्ली जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? मैं फखरे आलम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और फखरे आलम भाई को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये पत्रकार के साथ साथ जो पत्रकार तो है ही है, ये उसके साथ साथ ये सामाजिक खिदमत वगैरह भी भिवंडी में अंजाम देते रहते हैं हमेशा। जो एक महाराष्ट्र नाम की संस्था चलाते हैं जिसमें बेघर को घर का वगैरह का सब सुविधा करते हैं, और इनके हौसले को मैं सलाम करता हूं। जिस तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक का दौरा किया और जिस मकसद के तहत किया, पावर लूम भिवंडी की जान है और उस जान के लिए इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाला, ये हम लोगों के लिए बड़े फक्र की बात है कि हमारे बीच का एक आदमी हमारे लिए इतना गौर फिक्र करके वहां तक गया और एक प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। कहां तक कामयाबी मिलती है तो वक्त बताएगा, लेकिन हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं और हम इन्हें बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर अरमान मेरे फिर भी कम निकले। जय हिंद, जय भारत। कहेंगे आज जो फखरे आलम साहब जो दिल्ली से लौटे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? फखरे आलम साहब मेरे अपने बड़े भाई हैं, हमेशा भिवंडी शहर में कुछ ना कुछ सामाजिक काम आप करते ही रहते हैं। आज अभी तुफैल भाई ने बोला, जैसे कि भाई ने मुद्दा बताया, ये मुद्दा नहीं है, भिवंडी शहर एक कड़वा सच है कि ये माइनॉरिटी का शहर है और पावर लूम ही ये शहर की धड़कन है। अब लूम से लग के 15-20 साल के अंदर हम आप सब जानते हैं कभी तेजी आती है,
तो वही लूम आसमान पे जाता है, और कभी मद्दी आती है तो वही लूम भंगार की दुकान पे भंगार के भाव में बिकता है। तो आपने जो मुद्दा उठाया है ये पहले भी आप उठा चुके हैं, और आपको मैं अपने दिल की गहराइयों से अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूं। ये बात सच है कि अगर पावर लूम की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो दिन ब दिन पावर लूम यहां से कम हो रहा है और वो खत्म ही हो जाएगा। और मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि इलेक्शंस आते हैं तो ये सारे मुद्दे सामने सब आ जाते हैं, लेकिन पूरा शहर पावर लूम से ही चलता है। अगर लूम यहां से उजड़ा तो सब कुछ उजड़ जाएगा। मैं अपने आप लोग की तरफ से, सबके तरफ से भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आने वाले कल में आप ऐसा अच्छा काम करते रहे, हम आपके साथ में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या कहेंगे फखरे आजम साहब की जो तिरंगा यात्रा है वो आज पूरी हुई, तो इसके संबंध पे संपन्न पे क्या कहना चाहेंगे? फखरे आलम साहब जो है भिवंडी के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार भी है और साथ ही में समाज सेवक भी है। इन्होंने भिवंडी की जो जान है पावरलूम, इसको लेकर जो बिजली की समस्या है उसको लेकर भिवंडी से दिल्ली तक लगभग 4100 किलोमीटर का सफर जर्नी इन्होंने तय किया है। अपने आप को और अपने साथीदार को लेकर उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भिवंडी की समस्या पीएम ऑफिस तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया है, और मैं उम्मीद करता हूं इनकी आवाज वहां तक पहुंच चुकी होगी और उनकी तरफ से हमें जल्द से जल्द रिजल्ट मिलेगा। और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने भिवंडी के बारे में इतनी अच्छी सोच रखी है, तो उनका यहाँ पे हम स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और आगे भी उम्मीद करते रहेंगे कि उनसे ऐसे ही सोशल वर्क में उनका काम आगे बढ़ता रहे।